तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट एकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ के हिंदी के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इग्नोर नहीं करना इस टॉपिक के दोस्तों, ठीक। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ क्या कि महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं उनके लेखक, कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ बनाऊंगा और उनके लेखक के नाम बताऊंगा। उसको आपको किसी कीमत पे 10 मिनट के वीडियो रहेगा आपका, चाहे 10 मिनट से 10 मिनट से कम ही रहेगा, जितना भी हो सके, जितना मिनट का बने। आपको उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार कर लेना है स्टूडेंट, तैयार करके ही जाना है। टाइप वाई टाइप में एक दिन में कुछ ना कुछ ऐसा टाइप पढ़ा रहा हूँ जो कि एग्जाम में आपका दो दो तीन तीन मार्क्स, चार चार मार्क्स आपका जुटते जा रहा है। इसी दिन पूरा 70 मार्क्स आपका जुट जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे वीडियोज में बता चुका हूँ, तो इसमें बताऊँगा महत्वपूर्ण कृतियाँ उनके लेखक। तो वीडियो को आपको क्या कर देना है स्टूडेंट, इसको वीडियो को आपको शेयर कर देना है, 200 लाइक तक इस वीडियो को पहुँचाना है आप लोगों को। आप बहुत ही प्यारे स्टूडेंट है, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ाने में। जितनी भी तारीफ करूं आप लोगों की कम है, मैं कितना भी मेहनत करता हूं कुछ महसूस नहीं होता है आप लोगों के प्यार की वजह से, ठीक है। चलिए देखते हैं और हम महत्वपूर्ण कृतियां और लेखक बताऊंगा, उसको आपको एक एक चीज नोट करना है। चलिए स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे कृतियाँ हैं, यहाँ पे लेखक स्टूडेंट, ठीक है। देखिए मैं कृतियाँ बता रहा हूँ, उनके लेखक का नाम भी बताऊँगा। पहला नोट कीजिए, तीर्थ सलील, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? तीर्थ सलील, ठीक है। तीर्थ सलील के लेखक कौन है? तो पदुमलाल पूनालाल बख्शी जी हैं, ठीक है। तीर्थ सलील के लेखक पदुमलाल पूनालाल बख्शी जी हैं, ठीक है। चलिए इसी तरह दूसरा उजली आग, उजली आग दूसरा है। और उजली आग के जो लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, उजली आग के जो लेखक हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा नोट कीजिए, तीसरा है ठूठा आम, ठूठा आम का क्या है? भगवत शरण उपाध्याय जी है, ठूठा आम का भगवत शरण उपाध्याय जी, ठीक है। ये तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है। चौथा नोट कीजिए, चतुर चंचला, चतुर चंचला के लेखक हैं गोपाल राम गहमरी, गोपाल राम कौन? गहमरी जी हैं, ठीक है। इसी तरह पांचवा नोट कीजिए, कृतियाँ, पांचवा कृतियाँ है राज्यश्री, और राज्यश्री कृतियाँ के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। कौन है स्टूडेंट? जयशंकर प्रसाद जी हैं स्टूडेंट, ठीक है। कोई दिक्कत हो रहा है? 1% दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार स्टूडेंट देखिए यहाँ पे इनको नोट कीजिए, जंगल के बीच, जंगल के बीच जो कृतियाँ हैं वह हैं श्री राम शर्मा जी के, श्री राम शर्मा जी के जंगल की कृतियाँ के लेखक हैं, ठीक है। रूपक रहस्य कृतियाँ के लेखक जो कि सातवां है, रूपक रहस्य कृतियाँ के लेखक हैं श्याम सुंदर दास जी। क्या हैं? श्याम सुंदर दास जी हैं, ठीक है। इसी प्रकार देखिए यह आठवां नोट कीजिए, कृतियां 11 वर्ष का समय जो कृतियां उनके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी। इसी प्रकार स्टूडेंट नौवां नोट कीजिए, गहनी अनकहनी, अरे सॉरी कहानी अनकहानी, सॉरी कहानी अनकहानी कृतियां के लेखक हैं धर्मवीर भारती जी हैं। क्या है? धर्मवीर भारती जी, ठीक है स्टूडेंट। चलिए और स्टूडेंट देखिए दसवां, और दसवां क्वेश्चन यह है कि रेती के फूल, रेती के फूल के लिए जो लेखक है वो है रामधारी सिंह दिनकर जी, रेती के जो फूल के लेखक है वो रामधारी सिंह दिनकर जी स्टूडेंट, ठीक है। कोई दिक्कत? 1% दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसी प्रकार देखो, चलो चांद पर चलें, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर प्रश्न है, चंदो चाल पर चलें, तो चलो चांद पर चलें कृतिया के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद भारती। कौन? जयशंकर प्रसाद भारती हैं, ठीक है। इसी प्रकार स्टूडेंट आइए, तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी ललित निबंध है, इसके लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र, विद्यानिवास मिश्र जी हैं, ठीक है। इसी प्रकार चलिए आइए, ये आपका 12वां था, ठीक है। अब 13वां पे आइए, 13वां है आपका प्रतिध्वनि, और प्रतिध्वनि के जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्या हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट अशोक के फूल, अशोक के फूल 14वां है, अशोक के फूल के जो लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए इसी तरह आइए 15वां आपका है विचार विथि, विचार विथि के जो लेखक हैं वो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। क्या है? रामचंद्र शुक्ल जी स्टूडेंट, ठीक है। चलिए वट पीपल, वट पीपल जो 16वां है, इसके कृतियां के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए उनका बचपन यूं बीता, उनका बचपन यूं बीता, इनके कृतियां के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, जय प्रकाश भारती है, ठीक है स्टूडेंट। कोई दिक्कत? 1% दिक्कत नहीं होगी। चलिए 8वां देखिए, खून के छींटे, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खून के छींटे हैं भगवत शरण उपाध्याय, खून के छींटे जो हैं उनके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी, ठीक है। इसी तरह 19 जो है तितली, तितली के जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। इसी प्रकार 20वां आपका है एक घूट, एक घूट के जो लेखक स्टूडेंट वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, एक घूट के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। इसी तरह आइए 21वां पंचपात्र, और पंचपात्र के जो स्टूडेंट लेखक हैं वो पदुमलाल पूनालाल बख्शी जी हैं, पदुमलाल पूनालाल बख्शी जी स्टूडेंट, ठीक है। इसी
प्रकार आइए 22 की ओर। 22 है सूरज का सातवां घोड़ा, और सूरज का सातवां घोड़े के जो लेखक हैं वह हैं धर्मवीर भारती जी। कौन? धर्मवीर भारती जी। इसी प्रकार आवारा मसीहा 23वां वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके हैं विष्णु प्रभाकर जी। क्या हैं? विष्णु प्रभाकर जी। तो 23 अब तक मैंने डिस्कस कर लिया स्टूडेंट, अब आइए इसको देख लेते हैं 24वां। और 24वां स्टूडेंट यह है कि अनाम दास का पोथा जो कृतियाँ उनके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। इसी तरह 25वां भोर का तारा के हैं जो लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। ठीक है। इसी तरह 26वां ये 26वां कृतिया है भाषा विज्ञान के जो लेखक हैं वो बाबू श्याम सुंदर दास जी। ठीक है। इसी तरह 27 आइए पत्तियों के देश में जो है 27 उनके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी हैं पत्तियों के देश के लेखक। चलिए मृगनैनी के जो लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा जो है मृग यानी के। ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार देखिए दो बचा है और लास्ट दो पढ़ लीजिए आराम से। 29 है कि हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती हैं। किसके? हिमालय की पुकार की। और लास्ट 30 है गेहूं और गुलाब कृतियाँ के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है। तो इसमें मैंने टोटल स्टूडेंट कितना 30 मोस्ट IMP कृतियाँ और उनके लेखक का नाम बता दिया। आज के बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कृतियाँ से रिलेटेड। ठीक है। कृतियाँ इतने में सीमित हो गई आपकी। ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था मैंने बता दिया है, इससे बारे क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप इसको तैयार कर लो किसी कीमत पर। बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा होगा आप लोगों को तो आप वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड यहाँ, और 200 एक मिनट टारगेट रखा उसको पूरा कर दीजिए। ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।